and 70th verse. Okay. So Srila Prabhupada apne purport mein likh rahe hain. Apure manam nitya paripurn achalam pratishtham. Srila Prabhupada likh rahe hain, yadyapi vishal sagar mein sadev jal rehta hai, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः अधिक जल से भरता जाता है तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ अपूरे मानम अचलम प्रतिष्ठम. भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ओशन जो है, समुद्र जो है, वो समुद्र की तो बाउंड्रीज रहती है ना बीच में. अगर आप बीच जाओगे, समुद्र की एक बाउंड्री है, मगर चाहे समुद्र में कितनी ही नदियां मिलती रहती है, समुद्र अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करता. इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अचलम प्रतिष्ठम, अचल है. चाहे कितनी वर्षा हो जाए, कितने ही नदियां, करोड़ों नदियां मिलती हैं समुद्र में, मगर क्या वो अपनी बाउंड्री क्रॉस करता है? नहीं करता. मतलब एक्सेप्ट अगर सुनामी आ जाए या फ्लड हो जाए, अदरवाइज तो वहीं कम ही रहता है. लोग बीच में जाते भी हैं, बीच तो बीच रहते हैं, वहां पे खेलते हैं, मजे करते हैं, अगले दिन आते हैं, उतना ही समुद्र होता है. मगर नदी तो कंटिन्यूस मिल रही है ना, उसके अंदर नदियां कितनी जा रही, फिर भी वो उसका पानी बढ़ नहीं रहा, तो कहां जा रहा है पानी? सो कृष्णा कह रहे हैं कि अपूरे मानम, समुद्र पूर्ण है और फिर भी अचल प्रतिष्ठम, फिर भी वो ना बढ़ता है ना घटता है, दोनों ही चीज नहीं है, है नहीं? उसी प्रकार डिवोटी अपने में अपूरे मानम, डिवोटी अपने में पूर्ण होना चाहिए. डिवोटी अपने में पूर्ण होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब डिवोटी अपने में पूर्ण संतुष्ट होना चाहिए. इसको कहते हैं टेक्निकली आप्त काम. एक्चुअली भगवान की क्वालिटी, इसके बारे में उपनिषद में बोला गया है कि भगवान की क्वालिटी आप्त काम. आप्त काम मतलब कामा मतलब डिजायर, आप्त मतलब फुलफिल्ड. सो भगवान कि सारी इच्छाएं अपने में ही पूर्ण हो जाती हैं, उनको किसी की जरूरत ही नहीं है. इसलिए आत्म रामा है, इसलिए मैं अपने में संतुष्ट है, आत्मतृप्त है, उनको किसी की जरूरत नहीं है हैप्पीनेस के लिए. जिस तरह भगवान होते हैं उस तरह साधु भी होता है, उसी तरह समुद्र भी है. नहीं, समुद्र को नदियों की जरूरत नहीं है भरने के लिए, समुद्र भरा ही पड़ा है. चाहे कितनी नदियां मिल जाए फिर भी भरा पड़ा है, चाहे नदियां नहीं आ रही फिर भी भरा पड़ा है. उसी प्रकार डिवोटीज के पास कुछ है या नहीं है फिर भी संतुष्ट है. दे आर लाइक ओशन. भगवान डिवोटीज को ओशन से कंपेयर कर रहे हैं, ओशन से कंपेयर कर रहे हैं. और एक और बात है, कृष्ण यहां पे कह रहे हैं कि वेल प्रविशंति अद्वत, कितनी सारी नदियां मिलती हैं समुद्र में, बट समुद्र विचलित होता है? नहीं होता ना, वैसे का वैसे ही है. उसी प्रकार डिवोटीज हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं आती हैं और आती रहेंगी, मगर एक डिवोटी उससे परेशान नहीं होता, क्योंकि मन का तो काम है इच्छाएं करना, मन का तो काम है कुछ ना कुछ बोलते रहना. मगर भक्त सोचता है कि वेल मेरा काम है भगवान की सेवा करना, इसलिए मुझे इससे परेशान नहीं होना. सो इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं एक्चुअली समुद्र का. ना तो समुद्र विक्षुब्ध होता है, न तट की सीमाओं का उल्लंघन करता है. सी इस सी, यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की होती है. जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रियतृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता. पॉइंट यह है कि जब तक हमारे पास शरीर है तब तक डिमांड्स तो है बॉडी की, है नहीं? भूख तो लगती है ना, भूख तो लगेगी, और खाना भी चाहिए आपको, उसके बाद कपड़ा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, है नहीं? रोटी कपड़ा मकान, सुना है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, डिमांड है, आप उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते. सो डिवोटी उसको लेता है और संतुष्ट रहता है. नहीं मिले तो भी संतुष्ट है, मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं. ये इसकी क्वालिटी है. अब क्वेश्चन ये है कि डिवोटी समुद्र जैसा बन कैसे जाता है? नाउ दैट्स द क्वेश्चन वो है, इतना गहरा और इतना शांत समुद्र की तरह कैसे बन गया, जो ऑर्डिनरी मैन नहीं कर सकता.
ऑर्डिनरी आदमी के माइंड में तो इच्छाएं आती रहती हैं, विचार आते रहते हैं, वो परेशान होता रहता है, डिवोटी नहीं होता. सो क्यों नहीं होता वो भगवान बताएंगे. बट शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्यों नहीं होता, भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता. पूर्णता मतलब एक भक्त सेटिस्फाइड है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, मैं भगवान से कनेक्टेड हूं, मुझे भगवान मिल गए, भगवान मिल गए और भगवान की नॉलेज मिल गई, तो भक्त इतना खुश होता है अपने अपनी आत्मा में कि इसको कुछ मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है. यू सी द पॉइंट, ऐसे चलता है. अगर आपके पास, अगर आपकी लॉटरी खुल जाए 20 करोड़ की तो ठीक है, फिर आप बहुत खुश हो जाओगे, है नहीं? वाओ, लॉटरी खुल गई. फिर आपको कोई आके कहेगा तेरा आईफोन खो गया, कुछ परेशानी होगी? ठीक है यार, क्योंकि आप उस टाइम संतुष्ट है नहीं अपने में. या मान लीजिए आप आईआईटी में टॉप कर गए कंपटीशन में, उस टाइम फिर आपको कोई भी न्यूज मिलेगी आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि आप बहुत हैप्पी हो. सो उसी प्रकार प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति, क्योंकि भक्त अपने में पूर्ण है. शिला प्रभुपाद ने कहा है कि इस्कॉन, प्रभुपाद ने लेक्चर में बोला है कि पूरी भक्ति आप पेड़ के नीचे बैठ के कर सकते हो, कुछ नहीं चाहिए. तभी तो पहले के संत पेड़ के नीचे बैठते थे, नहीं बैठे रहते थे, तपस्या करते थे, क्या करते थे, अपनी भक्ति करते थे, नाम लेते थे. कोई कहेगा भी उनको कुछ चाहिए नहीं, क्या उनको कुछ चाहिए, वैसे कैसे बैठे हैं, नहीं? मुझसे भी कई लोग पूछते हैं यार आप ऐसे कैसे रहते हो, ना मूवीज देखते हो, ना घूमने जाते हो, ना आपको कुछ अच्छा खाना चाहिए, मतलब आप रहते कैसे हो? इसी द पॉइंट, मतलब लोग इमेजिन नहीं कर पाते ऐसी भी लाइफ होती है, तो हम कैसे रहते हैं? प्रभुपाद ने कहा है कि हम पूरी भक्ति एक कमरे में कर सकते हैं. हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या चाहिए? भगवान का नाम, बस. आप चैंटिंग कर सकते हो. वर्षीला प्रभुपाद ने बोला बट फिर भी हमने इतने सारे मंदिर बनाए, क्यों? क्योंकि लोगों को भक्ति बांटने के लिए. लोग आएंगे सुनेंगे ना, तभी तो भक्ति बांटेंगे. बट डिवोटी अपने में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको. तभी तुकाराम ने कहा कि भाई अगर मुझे सूखी रोटी मिले तो भी वेलकम, अगर मुझे बासमती राइस घी वाले मिले तो भी वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं. ना वो क्या कहते हैं, ना कोई शिकवा ना कोई गिला, कहते हैं ना, समझो शिकवा गिला, समझते हो आप? सुना है, नहीं सुना है? उर्दू में होता है हाँ, गिला शिकवा. ना कोई गिला ना शिकवा, ना कोई शिकायत ना कोई कंप्लेन. ठीक है यार, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम्स. भगवान की कृपा से मिलता है और भगवान, भगवान ही देते हैं और भगवान ही दोबारा से छीन लेते हैं. जिसने दिया उसने छीन लिया तो प्रॉब्लम क्या है नहीं? दिया भी तो भगवान ने ही है सब कुछ हमें, कोई हमने थोड़ा ना कमाया है. क्योंकि कमाने वाले तो बहुत होते हैं मगर चीज़ें नहीं मिलती लोगों को. ज़रूरी नहीं है मिल जाए, पैसे होते हैं मगर ज़रूरी नहीं चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा भी होता है. सो इसलिए शिला प्रभुपाद एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं पूर्णमिदम. इसलिए उपनिषद, ईसो उपनिषद का पहला श्लोक है ओम ओम पूर्णमिदम पूर्णमदा पूर्णात पूर्णम उदच्यते. पूर्णिवाडा रहे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. तो उस श्लोक के कई मतलब है मगर उसका एक मतलब है जिस तरह ईश्वर पूर्ण है उस तरह ईश्वर से जो कनेक्टेड जीवात्मा है वो भी पूर्ण है. जिस तरह कृष्णा पूर्ण है इस तरह उनके भक्त जो उनसे जुड़े हुए हैं वो भी पूर्ण हो जाते हैं. क्योंकि आप परफेक्ट सोर्स से कनेक्टेड हो तो आप में भी परफेक्शन आ जाएगी. नहीं, सिंपल हो गया, नहीं हो गया? आप जिससे कनेक्टेड आप वैसे ही बन जाओगे, बस. इसलिए ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, वो पूर्ण है और ये पूर्ण है, भगवान पूर्ण है और उनके भक्त पूर्ण है, दैट्स ऑल. उनको कुछ चाहिए ही नहीं अपने में. पूर्ण मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड. इस सारे संसार के लोगों को खुश होने के लिए कुछ चीजें चाहिए, है नहीं? कुछ चीजें चाहिए होती है ना खुश होने के लिए, बिना चीजों के आप खुश नहीं होंगे. एक डिवोटी को कुछ चीज नहीं चाहिए, अब बताओ, और फिर भी खुश है. कुछ भी नहीं चाहिए, वो आंख बंद करेगा खुश. अब ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभुपाद के बारे में कहते थे सारे डिवोटीज, प्रभुपाद के डिसाइपल्स, कि प्रभुपाद जब आंख बंद करते थे तो लगता था कि उनके उनके आईलेट के पीछे कृष्णा बने हुए हैं. आंख बंद करते ही भगवान के दर्शन करते थे खुश. ये भक्ति है, दैट्स डिवोशन. कितना अच्छा है ये, भगवान तो अंदर भी है ना हमारे, अंदर है नहीं है वो? ऑफकोर्स अभी नहीं दिखाई दे रहे, बट जो डिवोटीज होते हैं आंख बंद करते हैं
कृष्ण अंदर दिखाई देते हैं, ओके हैप्पी, बस हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश, कुछ चाहिए ही नहीं. सो दैट्स हाउ अ डिवोटी इज परफेक्ट डिवोटी. भगवान एग्जांपल दे रहे हैं, कृष्ण भावना व्यक्ति को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देते हैं. नाउ एक दूसरा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं प्रभुपाद, एक डिवोटी क्यों संतुष्ट होता है. पहली बात इसलिए संतुष्ट होता है क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है, वो खुश है. और दूसरी बात है क्यों संतुष्ट है, क्योंकि भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, अगर भगवान को ठीक लगे तो. दैट्स आइडिया. अगर कभी 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 क्या होता है, कभी कभी श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि डिवोटी ऐसी इच्छाएं करता है जो कि उसको, जो कि उसके लिए ठीक नहीं होती, फिर भी भगवान कभी कभी पूरी कर देते हैं. जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते, जैसे फॉर एग्जाम्पल चित्रकेतु. चित्रकेतु ने भगवान से मांगा कि भगवान मुझे, मुझे मतलब भगवान से प्रे, भगवान से मांग लिया, भगवान मुझे क्या कीजिए, हरे कृष्ण, कि मुझे गंधर्व बना दीजिए. और मेरे को तो गंधर्व समझते हो, म्यूजिशियन, मतलब देवताओं का म्यूजिशियन, मुझे वो बना दीजिए और मुझे बहुत सारे गंधर्व दीजिए और मैं उन सब से मिलके आपकी, आपके साथ आपकी गुणगान गाऊंगा. नहीं. सो वेल, चित्रकेतु ये भी बोल सकते थे कि मुझे अपने धाम ले जाइए, उन्होंने नहीं मांगा ऐसा. उन्होंने कहा मुझे यहीं रहना है और मुझे देवताओं का रहना है और उनके साथ मैं गाने बनाऊंगा और आपकी गुणगान गाऊंगा. तो एक तरह से ठीक भी है और एक तरह से गलत भी है. नहीं, वो इस संसार में पड़े तो प्रॉब्लम है ही ना, चाहे कहीं भी है. वो उनका आइडिया था, मैं प्रीचिंग करूंगा और मैं आपको गुणगान गाऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा. दैट वे इट वॉज गुड. मगर एक सेंस में अल्टीमेटली तो उनको भगवान के पास ही चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है. फिर भी भगवान ने उनकी इच्छा पूरी, ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम, इच्छा पूरी कर दी. जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कौन थे, कौन थे वो, कर्दमा मुनि थे जिन्होंने मांगा था पुत्र. कश्यप मुनि थे, कर्दमा मुनि तपस्या की थी भगवान से, भगवान जैसे ही पुत्र मांगा था. मतलब एक पता नहीं, आई थिंक कश्यप या कर्दमा मुनि थे उनमें से. कर्दमा मुनि के पुत्र कौन है, कपिल मुनि? नहीं, फिर तो कश्यप मुनि होंगे. हाँ, कश्यप मुनि ने तपस्या की तो उन्होंने, भगवान आ गए तो भगवान से कहा भगवान क्या चाहिए, और उन्होंने एक टांग पे तपस्या की करोड़ों वर्ष. भगवान आए तो भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए. सो ओके गुड, नाइस, बट नॉट नाइस ऑल्सो, क्योंकि भगवान थोड़े से दुखी हो गए. और भगवान ने सोचा कि देखो इसने इतने करोड़ों वर्ष तपस्या की और ये मेरे जैसा पुत्र मांग रहा है, उससे बेटर ये है कि वो ये मांगता कि मुझे जन्म मृत्यु से छुटकारा देके अपने पास ले जाइए, यहां तो प्रॉब्लम है. तो यू सी द पॉइंट. फिर भी भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी, फिर भी इच्छा पूरी की. और एक और एग्जाम्पल है दक्ष प्रजापति का. दक्ष प्रजापति बहुत मतलब देवताओं के, क्या कहते हैं प्रजापति, कैसे कहते हैं देवताओं के प्रजापति, वैसे यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं होती ये प्रॉब्लम है. प्रजापति का काम होता है कि पॉपुलेशन बढ़ाना यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है. वो देवताओं के, उनका काम है पॉपुलेशन बढ़ाना. तो बच्चे पैदा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, उनका काम ही है. भगवान ने उनको काम दिया, उससे सेवा दी उनका ऐसा ही है. और उनको एजुकेशन देते रहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं, मतलब अच्छी पॉपुलेशन. पॉइंट है अच्छी पॉपुलेशन. ऐसे तो आप यहाँ पे पृथ्वी पे तो कुत्ते बिल्लियों की तरह पैदा हो रहे हैं बच्चे, कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस पैदा हो गए. वहाँ पे ऐसा नहीं है. भगवान ने कहा है कि अच्छे अच्छी आत्माओं को पैदा करो और उनको एजुकेशन दो, तो उनका काम ही है. तो वो ऑफिस मैनेजमेंट भी करते हैं वहाँ स्वर्ग का. तो दक्ष प्रजापति, भगवान आए, उन्होंने बहुत तपस्या की भगवान की, और भगवान आए, उन्होंने भगवान से क्या मांगा, उन्होंने भगवान से मांगा भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं क्या कर पाऊं, मुझे इतनी ज्यादा पावर दीजिए कि मैं सेक्स कर पाऊं, कि मैं बहुत सारे बच्चे पैदा कर दूं, क्योंकि मेरी सेवा ये है ना, पॉपुलेशन बढ़ाना, एक अच्छी पॉपुलेशन बढ़ाना. पूरी पूरी सिविलाइजेशंस बना देते हैं प्रजापति, मतलब 1000 बच्चे, फिर 2000, फिर 3000, 4000, उनमें इतनी पावर होती, पता नहीं क्या करते हैं वो. उन्होंने भगवान से मांगा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पॉपुलेशन बढ़ा पाऊं. भगवान, भागवत में लिखा है कि भगवान खुश नहीं थे इससे,
मैंने कहा ये क्या अजीब सा वरदान है, नहीं मतलब मेरे दर्शन होगा, सीधा मुझसे मांगता कि मैं इच्छाओं से मुक्त होकर आपके पास आ जाऊं, ये तो उल्टा ही हो रहा है। फिर भी भागवतम कह रही है कि भगवान हंसे वहां और खुश हुए और उनकी इच्छा पूरी कर दी। क्यों इच्छा पूरी की, क्यों चित्रकेतु की इच्छा पूरी की चाहे गलत थी, क्यों कश्यप मुनि की इच्छा पूरी की, क्यों दक्ष प्रजापति की इच्छा पूरी की चाहे गलत ही है, नहीं मोक्ष मांगना चाहिए था ना, भगवान क्या मांग रहे हैं, भगवान को ही मांगना चाहिए था, क्या पुत्र मांग रहे हैं, ये क्या, ये तो क्या मांग रहे हैं, पावर मांग रहे हैं, वो नाच गाना मांग रहे हैं, क्योंकि क्योंकि पॉइंट क्या था, भगवान ने फिर भी कर दी क्योंकि चाहे इच्छा थी गलत फिर भी वो इच्छा किसके लिए कर रहे थे, सेवा के लिए। आइडियल सिचुएशन नहीं थी, फिर क्योंकि सेवा के लिए मांग रहे थे इसलिए भगवान ने फिर भी पूरी कर दी। इसलिए शिला प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं भगवान अपने भक्तों की सारी आवश्यकताएं पूरी कर देते हैं, चाहे वो आवश्यकताएं इतनी जरूरी भी नहीं है, चाहे वो गलत भी है फिर भी भगवान कभी कभी पूरी कर देंगे। समझे नहीं समझे, सेवा के लिए सपोज। तो ये एक पॉइंट है जो श्रीमद् भागवतम कह रही है। इसलिए भागवतम कह रही है अगर सेवा के लिए आपकी कोई इच्छा है चाहे वो गलत भी है भगवान पूरी कर देंगे, और सेवा को छोड़ के कोई भी इच्छा है चाहे वो सही भी है भगवान उसको पूरी कभी नहीं करेंगे। देखना कभी नहीं करेंगे, भगवान से थोड़ी सी भी कनेक्टेड है वो इच्छा पूरी हो जाएगी, भगवान से पूरी डिसकनेक्टेड नहीं होगी वो, फिर हो आपके कर्मों से हो सकती है, पुण्य कर्म आ जाएंगे तो हो जाएगी वरना नहीं होगी। डिवोटी से केस में ऐसा नहीं होता, भगवान सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, भगवान तो बिना पूछे अपने की भक्तों की आवश्यकताएं पूरी कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि डिवोटी को अपनी लाइफ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, डिवोटी को अपने मेंटेनेंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा पॉइंट है, भगवान अपनी भक्तों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, एक तो इच्छाएं पूरी कर देते हैं, दूसरा है बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी कर देते हैं। इसलिए भक्तिवत ठाकुर लिख रहे हैं वो सॉन्ग में क्या है कि तुम कि भगवान की सेवा करो, आप भगवान की सेवा की चिंता करो, भगवान आपकी लाइफ की चिंता करेंगे। बस जैसे एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय कंपनी के बारे में सोचता है, कंपनी एम्प्लॉय के बारे में सोचती है, उसको पे मिलेगी, उसको पर्क्स मिलेंगे, उसको लैपटॉप मिलेगा, उसको उसको गाड़ी मिलेगी, नहीं तो डिवोटी को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, मेरी लाइफ कैसे चलेगी, क्या होगा, सिक्योरिटी क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ होगा। इनफैक्ट वो स्टोरी तो है नारद मुनि और हंटर की भागवतम में फेमस, वो हंटर तो था जो मारता ही था जानवरों को, नारद मुनि अभी तुम मार क्यों रहे हो, तो उसने कहा मेरा प्रोफेशन है, मेरे फादर ये करते थे, मेरे दादाजी करते थे, मैं भी मारता हूँ और फिर इसकी चमड़ी निकाल के बेचता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम मत करो ऐसा, ये तो पाप है किसी को मारना, तो उसने कहा मैं जीऊँगा कैसे, आप खिलाओगे क्या, आप तो नारायण नारायण कह के निकल जाओगे, मरेंगे हम यहाँ। नारद मुनि का चिंता मत करो, तुम ये प्रोफेशन बंद कर दो और भगवान का नाम लो, भगवान अरेंज करेंगे तुम देखना। अब उस हंटर की ये क्वालिफिकेशन ये थी कि उसने फेथ कर लिया। नारद मुनि तो कितने लोगों को बोला होगा, कितने लोगों ने नहीं माना होगा, बट उसकी उसने मान लिया और उसने छोड़ छाड़ के भजन करना शुरू कर दिया। एक साल बाद नारद मुनि अपने फ्रेंड के साथ आए वहां, नारद मुनि के फ्रेंड कौन है किसी को बताया, अंगिरा ऋषि, उनके याद आए तो नारद मुनि ने कहा कि ऋषि चलो मैं तुम्हें भक्त के दर्शन कराता हूँ। तो गए तो वहां पे वही हंटर बैठा हुआ था एक साल बाद, और हरे कृष्णा कर रहा, जैसे ही वो दोनों आए बड़ा खुश हुआ, उसने जाके प्रणाम किया उनको और उन्होंने कहा अभी कैसा चल रहा है, तो उसके हंटर ने कहा मैं तो बहुत खुश हूं। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, उन्होंने कहा कि मेरी पूरी किचन अनाथ से भरी पड़ी है और सारी चीजें हैं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया, उन्होंने कहा जब से आपने बोला छोड़ दो मैंने छोड़ दिया, मैं तो चैंटिंग करने लगा, मेरी वाइफ भी चैंटिंग करने लगी, तो धीरे धीरे हम लोग फेमस हो गए कि ये बहुत बड़े संत बन गए। पहले हंटर थे सिंपल आदमी, फिर छोड़ छाड़ के पता नहीं इनको क्या हो गया संत बन गए, इतनी भजन कर रहे हैं तो सब हमारे दर्शन करने आने लगे, और दर्शन करने आने लगे फिर अपने आप हमारा तो मतलब हमारा तो एक्सेस ही भरा पड़ा है बल्कि। सो ऐसा भी होता है, इनफैक्ट ऐसा ही होता है, जो एक्चुअली मेरे साथ तो पर्सनली हुआ। मेरी मदर मतलब ओबीजी है, ओबीजी समझते हो, गायनी औरतों की डॉक्टर, तो वो अपना क्लिनिक चलाती थी, तो हॉस्पिटल, तो मैंने कहा हॉस्पिटल बंद कर दो,
क्योंकि अब क्या फायदा इतना कमा के, छोटी क्लिनिक चला लो बस काफी है, अपना जीवन चलाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम कैसे करेंगे, हमारी फैमिली, हमारे ये रुक जाएगी, वो रुक जाएगा, हम घर कैसे चलाएंगे, वो हजार बातें हुई। तो फिर मैं बोलता रहा, एक साल बाद फिर पता नहीं उनके दिमाग में, मैंने कहा देखो अगर आप नर्सिंग होम बंद नहीं कर रहे तो हम लोग अगले जन्म में मिलेंगे, टाटा बाय बाय। बस मैं तो बोल के आ गया, मैं लेटर लिखा, मैंने रख के आ गया, अगले जन्म में मिलेंगे, ठीक है, अब आप मुझे भूल लो, मैं आपको भूल लाऊं, मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, बस खत्म। सो ऑफकोर्स मदर है तो थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा भैया अब क्या करें, तो उन्होंने फिर नर्सिंग होम बंद लड़के कर दिया फादर से। और फिर मैं एक साल बाद गया, मैं था नहीं वहां पे, एक साल बाद गया तो मैंने कहा भी कैसा चल रहा है, कहते हमारे तो डबल हो गई पे। इन्हें कैसे हो गए भाई, तुमने तो नर्सिंग होम बंद कर दिया, तुम्हारी तो क्लिनिक चल रही थी। कहता कुछ नहीं, नर्सिंग होम बंद हो गया मगर उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, पता नहीं क्यों नहीं फर्क पड़ा। सो ऐसी चीजें होती हैं, सिर्फ कई डिवोटी से तो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं। सो भगवान अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं। इनफैक्ट शास्त्रों में लिखा है कि भगवान अपने भक्तों को अपनी गोद में बिठा के रखते हैं। तभी तो प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में बिठाया था, पढ़ा है ना, नरसिंह भगवान ने जो हिरण्यकश्यप को मारा, फिर उसके बाद क्या किया था, प्रहलाद को लेके अपनी गोद में बिठाया। वो गोद में बिठाना एक सिंबलाइजेशन है, भगवान ने जानबूझ के गोद में बिठाया ये दिखाने के लिए कि मैं अपने भक्तों का पर्सनल मेंटेनेंस करता हूं, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए डिवोटी पूर्ण है। यू सी द पॉइंट, भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अगर डिवोटी का मन करे शराब पीने का तो भगवान शराब देंगे उसको, उसकी तो आवश्यकता है नहीं, बाई चांस मन कर गया उसका तो कभी कभी मन कर गया तो डिवोटी होके भी कभी कभी हो सकता है मन कर गया, बाई चांस का आप मार्केट जा रहे हो, एयरपोर्ट जा रहे हो, वहां पे ब्लैक लेबल देखे इतने सारे और पहले पीते होगे, पहले की याद आ जाएगी, और यार हो सकता है कभी इच्छा आ जाए, मन का क्या पता। सो करेंगे पूरी, क्या कहते हो, मगर यहां तो लिखा है भगवान अपने भक्त की सारी इच्छाएं, तो फिर बताओ मुझे। वेल कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मैं अपने भक्त की सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ, तो फिर अब ये आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, अब उसके मन में तो इच्छा आ गई, अब क्यों नहीं कर रहे। भगवान उसकी इच्छा तो शराब पीने आ गई, मगर उसकी मेन इच्छा क्या है कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, भक्ति करूं, तो भगवान इस तरह करेंगे कि उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी, भगवान ऐसा प्लान करेंगे कि उसकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। तो उस सेंस में उसकी इच्छा ही पूरी हुई है, क्योंकि उसकी भक्ति करने की इच्छा पूरी हो गई, उसकी मेन इच्छा भक्ति करने की थी। ये एग्जांपल एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे हैं भगवान इस, इसलिए शास्त्र गलत नहीं है, भगवान अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, क्योंकि भक्त की मेन इच्छा ही है भगवान की भक्ति करना, तो भगवान ने पूरी कर दी। लो तुम तो यही चाहते थे ना, मैंने पूरी कर दी, तुम्हारी शराब पीने की इच्छा मैंने हटा दी। सो इसलिए डिवोट भगवान पूरी करते, अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण होता है, क्योंकि हैप्पी अपने में और कोई टेंशन नहीं है, भगवान उसके लिए सारे अरेंजमेंट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं डिवोटी को, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, भगवान सारे अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसलिए एक भक्त ये सोचता ही नहीं कि अगले दिन उसको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, भक्त ऐसे नहीं जीते, भगवान करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सागर में गिरने वाली नदियां के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वे अपने कार्य में स्थिर रहता है, इंद्रिय तृप्ति की भी रंच मात्र भी विचलित नहीं होता। यू सी द पॉइंट, कह रहे ना सागर में कई नदियां आती हैं मगर सागर विचलित, तो इसी प्रकार कभी कभी माइंड में हो सकता है इच्छा आ जाए शराब पीने की, हो सकता है, भगवान कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है आप डिवोटी बन जाओगे तो आपके माइंड में इच्छा ही नहीं आ गया, ऐसे मतलब प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं यमुनाचार्य का, यमुनाचार्य कह रहे हैं जब भी मेरे माइंड में काम वासना का विचार आता है तो मैं उस पर थूकता हूं, तो विचार तो आ ही रहा है, तो विचार तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, माइंड तो कुछ भी सोच सकता है, माइंड का तो काम ही है पागलपन की तरह सोचते रहना, और पास मेमोरीज भी तो है हमारी, मेमोरीज भी इच्छा आ जाती है, पता नहीं उधर की पता नहीं हमने क्या क्या किया है। सो एक डिवोटी को उससे परेशान
नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होता परेशान? क्योंकि वो अपने कार्य में स्थिर रहता है, क्योंकि उसको पता है मेरा काम भगवान की सेवा करना है, दैट्स इट। अब जो माइंड में हो रहा है हो रहा है, वो गोल पे फिक्स्ड है ना अपने, है नहीं? ये मुझे तो काम करना है, अब जो भी हो रहा है देखा जाएगा। ऐसे ही होता है एग्जाम में, भैया पढ़ना है, अब जो भी इच्छा माइंड में तो इच्छा आएंगी एग्जाम में पढ़ते पढ़ते, भाई घूमने चलो, मूवी देखो, इधर उधर कर लो, आप अपने माइंड को रोकते हैं, भैया तू रुक जा अभी मुझे पढ़ना है, कल एग्जाम है, यही है ना, आती रहती है, आप बैठे रहते हो। उसी प्रकार हमें भगवान की सर्विस करनी है, माइंड में इच्छा आ रही है, इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर मन आपका विचलित हो रहा है, घबराओ मत। तभी कृष्णा कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य शरणं व्रजा अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कृष्णा कह रहे हैं डरो मत, मन डराएगा जरूर, उल्टी फुल्टी बातें सोच सोच के, डरो मत, फिक्स्ड रहो, मैं आत्मा हूं और मेरा काम भगवान की सर्विस करना है, और भगवान का काम होना चाहिए, दैट्स इट, फिनिश, फिर देखा जाएगा, आगे चलते हैं। तो स्थिर रहता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का, यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। और दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा है विषय इंद्रिय चरण, बोला नहीं, बोला है भक्त इंद्रिय चलाता रहता है, भक्त काम तो करता रहता है संसार में। कृष्ण भक्ति में एडवांसमेंट का साइन ये है, साइन ये नहीं है कि उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, साइन ये है कि इच्छाएं होते हुए भी वो इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहा है, बेकार की इच्छाओं को, एडवांसमेंट का साइन ये है, क्योंकि एक रात में सारी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। सो है मगर हम पूरी नहीं करेंगे, क्यों करनी है, कोई फायदा ही नहीं है, क्यों करेंगे, कोई नीड ही नहीं है करने की, नहीं, माइंड तो बोलता रहेगा ये ले लो ये वो ले लो, नहीं भैया मुझे नहीं करनी, दैट्स इट, कोई फायदा नहीं है भक्ति में इसका। दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें लगता है एडवांसमेंट का साइन क्या, इच्छाएं खत्म हो जाना है, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो आप जब परफेक्ट हो जाओगे तब शायद इच्छाएं खत्म हो जाए, तब भी शायद ना हो, क्योंकि प्रभुपाद से पूछा था एक बार कि प्रभुपाद आपके मन में इच्छाएं नहीं है, तो प्रभुपाद ने कहा कि है मगर मेरे पास उनको पूरा करने का टाइम नहीं है। दैट्स अ वेरी गुड आंसर, बहुत सही आंसर, और प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। सो सपने भी तो आते हैं कितने सारे, है नहीं? शिला प्रभुपाद को एक बार सपना आया था, सुबह उठ के प्रभुपाद ने बोला कि मुझे सपने में वो कुत्ता आया था, तो डिवोर्स ने पूछा ये कुत्ता क्या कौन सा है, तो प्रभुपाद ने कहा जब मैं बॉम्बे में था तो मैं कार में था तो किसी ने कुत्ता बिठाया था प्रभुपाद के साथ, जो कार का ओनर है ना जो लेके जा रहा था प्रभुपाद को, उसका कुत्ता था, तो उसने कुत्ते को फ्रंट सीट पर बिठा लिया था प्रभुपाद के साथ, तो भौंक रहा था, तो प्रभुपाद बिल्कुल अपने एंड डेज में प्रभुपाद को उस कुत्ते का सपना आया। अब ये कैसे है? वो तो एक एलिवेटेड सोल है, मगर उनको कुत्ते का सपना क्या आ रहा है? सो आया मगर प्रभुपाद उससे विचलित नहीं है, क्योंकि मन तो एक मूवी की तरह है, कुछ भी दिखाता रहता है। प्रभुपाद एक बार वृंदावन में बैठे थे तो प्रभुपाद को अपनी वाइफ का याद आ रही थी। यू कैन इमेजिन सन्यासी के लिए अपनी वाइफ का याद करना अच्छा नहीं है। प्रभुपाद कह रहे थे कि वो अच्छी लेडी थी बट भक्ति नहीं करती थी, ऐसे प्रभुपाद को याद आ रहा था। अब आप कहोगे यार प्रभुपाद को कैसे याद आ रहा है, बट आ सकता है, आ सकती हैं चीजें, मगर उनको पता है कि ये सब क्या है, पास्ट हो गया है, नहीं सपने की तरह हो गया। सपने में हम शेर देखते हैं तो डर लगता है, जैसे ही उठ जाते हैं तो याद तो रहता है सपना क्या है, मगर फिर डर फिर नहीं लगता। एग्जैक्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं भागवत, तो ऐसे ही है, हमें याद रहती है चीजें मगर हम अफेक्ट नहीं होते, चलो ठीक है, दैट्स ओके। सो डिवोटी इस तरह से इच्छाओं के होते हुए भी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। स शांति मापनोति न काम कामी, भोपाल लिख रहे हैं, समुद्र के ऊपर ऊपर लहरें होती हैं, अंदर क्या होता है, आप अंदर जाओ तो बिल्कुल शांत। कभी सी में गए हो आप, सी में डाइव मारी है किसी ने, किया है सी में स्विमिंग किया है कभी? सी में भी नहीं की। वेल अब आप सी में डाइव मारोगे, मैंने की हुई है। सो आप वो गॉगल्स पहन के आप डाइव मारो सीधा अंदर, फिर आप जाओगे अंदर, आप वैसे तो यूट्यूब में देख सकते हो,
अंदर बिल्कुल पीस होता है, एक भी आवाज नहीं होगी और बिल्कुल अंधेरा सा होगा, सिर्फ आपको टॉर्च दिखाई दे रहा होगा, आप मतलब डिस्कनेक्ट हो जाओगे ऊपर से, आप अंदर हो, अलग अलग ही संसार में हो, घूम रहे हो आप, ऐसा होता है। स्विमिंग पूल में करके देख लेना, डीप में चले आना, अलग ही होता है वर्ड। सो ऐसे ही है, डिवोटी ऊपर से बहुत लहरें चल रही होती हैं, ऊपर से हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मगर अंदर से हम पूरे पूरे शांत है, ये डिवोटी है। क्यों शांत है? क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण मतलब वो अपने में संतुष्ट है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि भगवान उसकी सारी नीड्स पूरी कर रहे हैं, बस काम खत्म हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलता का क्या कहना, उनमें कभी शांति नहीं मिलती। मगर जो लोग भगवान को छोड़ के इस संसार के पीछे भागते रहते हैं, उनको कभी भी शांति नहीं मिलती। और जो जो लोग ज्ञानी और योगी होते हैं, उनको भी शांति नहीं मिलती। कोई सिद्धि के पीछे भाग रहा है, कोई भोग के पीछे भाग रहा है, पीछे भागते रहोगे तो क्या शांति मिलेगी? नहीं, यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप। वो जो एक्चुअली जो बुद्धा थे ना, बुद्धा, बुद्ध सिद्धार्थ, तो बुद्ध वो उंगली माल नहीं था, उंगली माल सुना है ना, वो सबकी उंगली काटता था ना, तो उसकी 99 उंगली हो गई थी, उसने 100 उंगलियों की शपथ ली थी कि मैं 100 उंगली काटूंगा, तो 100वीं उंगली बची थी, तो वहां से बुद्ध जा रहे थे, तो बुद्ध के तो वो पीछे भागा, बुद्ध के पीछे, ये इनको भी मार के इसकी उंगली काट के मैं लगा लूंगा, फिर मेरी शपथ पूरी हो जाएगी। तो भागना शुरू किया, बुद्ध भगवान चल रहे थे और वो भाग रहा था, वो पकड़ ही नहीं पा रहा था, वो चल रहे हैं भाग रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, वो फुल स्पीड में भाग रहा है, बुद्ध भगवान आराम से चल रहे हैं, वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा भागता रहा, तो बुद्ध भगवान चलते जा रहे हैं, तो उसने पीछे चिल्लाया, अबे रुक जा तू, चिल्लाया बुद्ध भगवान को, तो बुद्धा ने पता क्या बोला, बुद्धा ने बोला मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूं, अब रुकना तो तुझे है। उसके होश उड़ गया आंसर सुन के, और उसने वहीं सरेंडर कर दिया। आंसर समझे नहीं समझे? उसने कहा बहुत पहले मैं रुक चुका हूं, संसार के पीछे भागना मैंने कब का छोड़ दिया, अब तुझे छोड़ना है, तब तू शांत हो। उसने वहीं भगवान बुद्ध भगवान फ्लैट हो गया वहीं, उन्होंने क्योंकि वहां से सुना ही था आंसर। सो यही बात है, जब तक आप रुकोगे नहीं ना, अपनी भागते रहोगे, जब भागने वाले को क्या शांति मिलेगी? कोई शांति मिलती है भागने वाले को? आराम से बैठोगे तब तो शांति मिलेगी ना। सो वही वो यहाँ पे कह रहे हैं, भैया आप भागने वालों को शांति तो मिलती नहीं, जिसको ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, 1000 चीजें चाहिए, तो क्या खाक शांति मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भगवंतन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता, न काम कामी, न भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं शांति है, क्यों है? क्योंकि न काम कामी, क्योंकि किसी की भी इच्छा नहीं है, ना संसार से कुछ लेने की इच्छा है, ना संसार को छोड़ने की इच्छा है, छोड़ने की मतलब या ना लेने की ना देने की, या संसार से कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं संसार से, हमें तो भगवान से लेना देना, बस काम खत्म हो गया, बाकी जो आपको जॉब के लिए जरूरत है, जो जीवन के लिए जरूरत है, वो अपना कर लो बस। सो भगवान यहाँ पे शांति का फॉर्मूला बता रहे हैं, सशांत है आपनोती न काम कामी। दो श्लोक है भगवद गीता में जिसमें भगवान ने शांति के फॉर्मूला बताया, एक फिफ्थ चैप्टर लास्ट वर्स, भुक्ता रामे के तपसम, पता है ना, सर्वलोका महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम यात्वाम शांति, 529 और एक ये सेकंड 70, जिसमें भगवान शांति का फॉर्मूला बता रहे हैं। शांति चाहिए तो समुद्र की तरह बन जाओ, और वो कैसे बनोगे? जब भगवान से कनेक्ट हो जाओगे, सिंपल होंगे, दैट्स ऑल। हरे कृष्णा, कुछ पूछना कुछ कहना है? स्टॉप है, शांति सर्वे शांति न काम कामी। ओके, कुछ कहना है? अदरवाइज आई एम डन। इस संसार में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? शांति से बैठना। बता रहा हूं आपको, इतना आसान नहीं है, शांति से बैठना ही सबसे मुश्किल काम है। बैठ के दिखा दो,
आधा घंटा बैठ के दिखा दो शांति से, एक मिनट बाद में हो जाते हैं, बाद में डिस्टर्ब हो जाते हैं, भगवान तो यही कह रहे हैं। दोबारा आते हैं, दोबारा तो चले जाएंगे। वही तो कह रहे हैं, इच्छाएं होते हुए भी जो आदमी डिस्टर्ब नहीं होता वो एडवांस्ड है, तो रहने दो इच्छा है, आप डिस्टर्ब मत हो बस। और डिस्टर्ब कैसे नहीं होंगे, वो कह रहे हैं वो अपने कार्य में स्थिर होता है, फिक्स्ड है वो गोल में, बस आप नहीं डिस्टर्ब होगे, धीरे 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 डिस्टर्ब होना बंद हो जाओ। अच्छा, इच्छाएं तो होती हैं, क्यों नहीं होती, सपने तो आते हैं, पता नहीं क्या क्या सपने आते रहते हैं, आते ही हैं सबको, सिर्फ प्रभुपाद को आ रहे हैं, बट ठीक है क्या है, माइंड तो चल रहा है, माइंड को चलने दो, माइंड अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए तो हो जाएगा, पॉसिबल है ऐसा, वरना भगवान बोलते नहीं। भगवान तभी समुद्र एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नदियां मिलती हैं फिर भी वो विचलित नहीं होता। गुरु से आसक्ति होनी चाहिए या भगवान से? पता नहीं, किसी से तो आसक्त हो जाओ, दोनों से हो जाओ, खराबी क्या उसमें, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं कोई रीजन तो होगा। जैसे मतलब कि हम जब कभी कभी हमारे मन में अपने गुरु के बारे में ख्याल आता है, बस भगवान के बारे में आता नहीं, तो ठीक है। जैसा तो कितने टाइम ख्याल आएगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट फिर खत्म हो जाएगा, पूरे दिन तो आएगा नहीं। आपको इतने एडवांस तो होने की पूरे दिन समाधि में चले जाओ, 15 मिनट खत्म हो जाएगा, फिर भगवान के बारे में सोच लो। इट्स नॉट अ मेजर थिंग, अगर समाधि में पड़े हो गुरु के तो प्रॉब्लम है। ठीक है, काम करो, सर्विस करो और नाम लो, बस दैट्स ऑल दैट लिखो। ठीक है ठीक है, क्या कह रही हो? क्यों आप अल्लाह की प्रीचिंग करने लोगों, मौन मना करता है, करो कुरान पढ़ो करो भाई। वो तो जब हम गीता की प्रीचिंग कर रहे तो हम गीता की करते हैं नहीं। प्रभुपाद अमेरिका गए, प्रभुपाद ने कहा तुम्हें रिलीजन चेंज करने की जरूरत नहीं, प्रभुपाद ने बोला जो तुम करो उसको सिंसियरली करो। कृष्णा कॉन्शियस, वही तो कह रहा हूँ, आप हम नाम अलग दे रहे हैं मगर है बात वही भाई। आप डीएवी स्कूल में जो थर्ड क्लास में पढ़ोगे, वो आप कौन सा स्कूल है, और एक और कोई स्कूल में, उसमें भी थर्ड क्लास में वही पढ़ोगे ना, स्कूल के नाम अलग हो गए। सो हम कृष्णा कॉन्शियस बता रहे हैं, हम बता रहे हैं भाई ये जो तुम्हें हम बता रहे हैं, हम तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, हम कोई धर्म नहीं पढ़ा रहे। स्वरूप बने का 2+2 क्या होता है, 4। इंडिया में भी 4 है, अमेरिका में भी 4 है, सब जगह 4 है। हम तो गॉड कॉन्शियसनेस दे रहे हैं, तो आप समझो, आप फिर चाहे कोई भी धर्म में हो आपको गॉड कॉन्शियसनेस समझ आएगी, क्या हो भगवान से कनेक्ट हो बस। तो मैंने कल भी कहा था, आप अगर अच्छे मुस्लिम हो तो अच्छे मुस्लिम बनो भाई, अल्लाह को समझो, मगर कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि भैया आप मन हो, मन ये तो वही कॉन्सेप्ट है, मन तो वही है ना, मन विचलित नहीं होना चाहिए भगवान की सेवा में, वही रहेगा। सो कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो प्रभुपाद ने कहा मैं कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ। प्रभुपाद से एक बार पूछा था एक बार अमेरिका में, एक्चुअली फंसाने के लिए, प्रभुपाद को एक स्टूडेंट ने, प्रभुपाद किसी कॉलेज में गए थे, और वो किसका, वो एक बहुत फेमस सेंट है, हाँ ये थॉमस एक्वानास, एक्वानास फिलोसोफर एंड सेंट वो था, और सेंट फ्रांसिस का था आई थिंक, तो उन्होंने पूछा कि वो क्रिश्चियन सेंट कॉलेज, तो उन्होंने पूछा कि क्रिश्चियन सेंट शुद्ध भक्त है या नहीं है, यू सी द पॉइंट।
तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद अगर बोलेंगे शुद्ध भक्त नहीं है तो हम उनके अगेंस्ट बोलेंगे, अगर बोलेंगे शुद्ध भक्त हैं तो फिर बोलेंगे फिर इसका मतलब क्रिश्चियनिटी बेटर है, तुम्हारा धर्म खराब है। यू सी, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया। तो प्रभुपाद ने सीधा, प्रभुपाद ने इंटेलिजेंट, प्रभुपाद ने कहा कि उनकी टीचिंग्स क्या है। मैंने सीधा पूछा टीचिंग्स क्या है, तो उन्होंने कहा टीचिंग्स, तो उन्होंने उस बच्चे ने कहा, यूथ ने, कि सेंट फ्रांसिस कहते थे कि सारे पेड़ पौधे सारे पक्षी उनके भाई बहन हैं, क्योंकि उनमें वो भगवान देखते थे। प्रभुपाद ने कहा फिर वो शुद्ध भक्त है, क्योंकि ये शुद्ध भक्त की दृष्टि होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी हो। इसी तो वो तो चुप बैठ गए। सो हम तो कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, वो कोई समझ जाएगा, बस हो गया, क्लियर हो गया, है नहीं समझ गए, नहीं समझ गए। सो इट डजंट मैटर, डजंट मैटर। अब प्रभुपाद ने कहा ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, और बस फिर तो चाहे हम गॉड को अल्लाह बोलो चाहे कृष्णा बोलो, एक ही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपनी लाइफ परफेक्ट करो, ये बात है बस। धर्म ऑफकोर्स ऑफकोर्स आई मीन टू से, आप एक चीज तो फॉलो करोगे ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह डीवीए स्कूल जा रहे हो, शाम को दयानंद स्कूल जा रहे हो, दोपहर को एसएल बाबा स्कूल जा रहे हो, ऐसा तो नहीं करोगे भाई। ठीक है सब सेम है, मगर एक स्कूल में तो कुछ तो पढ़ेगा आदमी, एक ही स्कूल में एडमिशन लेगा तो ठीक है सब सही है, मगर एक चीज तो करनी पड़ेगी। तो ठीक है हमारे पास गीता है, हम गीता पढ़ेंगे, हम कृष्ण को सर्व करेंगे, जो मुस्लिम है वो अपना वो कर ले, एक तो करना ही पड़ेगा, एक के थ्रू आप समझ जाओगे, जब सब कुछ समझ जाओगे फिर आपको पता लग जाएगा सब एक, बस दैट्स ऑल, इस तरह होता है बस। एंड दिस कृष्ण कॉन्शियस नाइस, ये क्या कह रहे हो, एंड देन वो तो पिछले जन्म में था सुतपा कृष्ण कश्यप मुनि, उन्होंने हाँ सुतपा कृष्ण ने पुत्र मांगा था और भगवान प्रकट भी हुए थे वहां पे, इसलिए जब प्रकट हुए थे देवकी वसुदेव, एक्चुअली सुतपा कृष्ण है नहीं, सुतपा देवकी वसुदेव भगवान के इटर्नल फादर मदर है। सुतपा कृष्ण ऋषि मुनि थे पिछले जन्मों में, और उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान हमें आपको पुत्र के रूप में चाहते हैं। तो सुतपा कृष्ण जब वसुदेव देव की प्रकट हुए तो वो उनके अंदर जाके मर्ज हो गए। नाउ दैट वसुदेव देव की अलग व्यक्ति है, सुतपा कृष्ण अलग व्यक्ति है, वैसे तो एक ही लगते हैं मगर है अलग। सो भगवान ने अपने पास टाइम में उनको अपनी सेवा करने का मौका दिया कि वो एक्चुअली प्योर हो जाए, क्योंकि वो डिजायर ठीक नहीं थी इन वन सेंस, भगवान ने अरेंजमेंट किया कि हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था वो, मतलब एक आदमी में दो आदमी रहते हैं, ऐसा भी होता है वो कैसे होता है हमें नहीं पता, बट ऐसा होता है। नहीं, द्रौपदी में 5 औरतें थी, पता है आपको 5 औरतें थी द्रौपदी के अंदर, तभी 5 हस्बैंड थे, नहीं 5 देवियां थी द्रौपदी के अंदर, इसलिए 5 हस्बैंड थे अलग अलग। तो अब कैसे है हमें नहीं पता कैसे होता है, मगर होता है ऐसे। ओके दैट्स इट, सो कोई क्वेश्चन नहीं है, विल स्टॉप है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।